इस वीडियो के अंदर आपको तीन चार प्रकार की डिजाइन देखने को मिलेंगी। सबसे पहले किचन प्लेटफॉर्म, उसके बाद में बाथरूम टाइल्स डिजाइन, बाथरूम की फ्लोरिंग टाइल्स, पार्किंग टाइल्स डिजाइन, उसके बाद में रूम के अंदर जो फ्लोरिंग टाइल लगी है उसका भी डिजाइन देखने को मिलेगा। एलिवेशन जो टाइल्स रहती है उसका भी डिजाइन देखने को मिलेगा। उसके बाद में स्टेयर्स जो डिजाइन रहती है उसका भी डिजाइन देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यूट्यूब चैनल के ऊपर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आएंगे। इस वीडियो के अंदर आपको टाइल्स की, उसके बाद में ये जो घर देख रहे हैं इसके अंदर पूरा चार रूम का पूरा घर बने हुआ है, इसके अंदर दो बाथरूम है, पूरी डिटेल देते हैं इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों के साथ में। वीडियो ऐसे ही नई नई वीडियो आते रहते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, और बहुत से ऐसे वीडियो हैं जो आपको बिल्कुल फ्री में आइडिया मिल जाएंगे, और बहुत से ऐसे आइडिया रहते हैं जो आपको बिल्कुल यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलते रहेंगे आगे भी। किचन प्लेटफॉर्म हो गया, वॉल टाइल हो गई, फ्लोर टाइल हो गई, रूम का जो साइज रहता है बाथरूम का भी मिल जाएगा इसमें। सबसे पहले ये एलिवेशन टाइल्स देख सकते हैं, इसके अंदर 12 इंच व 18 इंच की जो ग्लोसी पॉलिश टाइल आती है डिजिटल, वो इसमें फिटिंग की हुई। इसके अंदर दो प्रकार की टाइल्स आती है, जो मैट पॉलिश आती है एक, और एक ग्लोसी पॉलिश आती है। जो ग्लोसी पॉलिश है ये पूरी फिटिंग की हुई इसके अंदर। उसके बाद में ये दो टुकड़े में लगाई हुई है, यहाँ पे 100 फुट का एरिया है कम्प्लीट। इसके बाद में आपको पार्किंग की टाइल्स दिखाते हैं, 16x16 की जो पार्किंग टाइल्स आती है वो इसके अंदर फिटिंग की हुई है कंप्लीट। इसके अंदर 1x1 की जो टाइल्स आती है वो भी लगा सकते हैं। इसका अगर प्राइस का बात करेंगे, सबसे पहले इसका प्राइस बता देता हूँ, ये जो वॉल टाइल देख रहे हैं एलिवेशन की, इसकी अगर प्राइस की बात करेंगे तो आपको 230 रुपये से 200 रुपये के आसपास इसका बॉक्स मिल जाएगा, जिसका बॉक्स का अंदर 9 से 9.5 फुट काम होता है उसके अंदर। और फ्लोरिंग का जो देख रहे हैं अभी 16x16, इसमें 1x1 की टाइल्स भी आती है। 1x1 की टाइल्स की अगर बात करेंगे तो 1x1 की टाइल्स आपको आसानी से 240 से 250 रुपये के बीच में बॉक्स मिल जाता है, उसी के अंदर भी 9.5 फुट ही काम होता है कंप्लीट। इसके अंदर भी 9.5 फुट ही काम होता है, पैकिंग का फर्क रहता है उसके अंदर, कम ज़्यादा नग हो जाते हैं, तो इसीलिए एक बॉक्स में 9 से 9.5 फुट काम होता है। इसका अगर बॉक्स की प्राइस बात करेंगे तो 350 से 400 रुपये इसका प्राइस रहता है। इसके अंदर भी डिजिटल टाइल्स अलग अलग प्रकार रहते हैं, और इसके अंदर 1x1 भी आती है, जो डिजिटल टाइल्स आती है उसकी भी अलग अलग डिजाइन आती है। इसका भी एसिड वाश का काम चालू है, इसके अंदर 4 टाइल में कम्प्लीट डिजाइन मिली हुई है। इसके बाद में आपको बाथरूम बता देता हूँ, बाथरूम की डिज़ाइन जो डॉल्फिन टाइल्स आती है वो फिटिंग की हुई है। उसके बाद में किचन का भी डिज़ाइन दिखाता हूँ, जो बिल्कुल सिंपल किचन प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है लो कॉस्ट के अंदर, जो कड़ापा स्टोन रहता है उसके अंदर पूरा फिटिंग किया हुआ है। इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी टाइल्स आती है, जो 16x16 टाइल देख रहे हैं ये कार पार्किंग के हिसाब से एकदम बेस्ट टाइल है। इसके अंदर 4 इंच की स्कर्टिंग लगा रखी है, जो स्कर्टिंग देख रहे हैं दीवार से पूरा भार लिया हुआ है 4 इंच का। इसमें 3 इंच या 3.5 इंच स्कर्टिंग भी लगा सकते हैं, दीवार के फेस से भी लगा सकते हैं इसको। दरवाजे में इसमें ग्रीन मार्बल का ये उमरठा लगा रखा है, जिसको धार पॉलिश, सिंगल धार पॉलिश में फिटिंग किया हुआ है। इसका अगर फिटिंग का बात करेंगे टाइल्स का, तो 15 रुपये स्क्वायर फुट से आसानी से फिटिंग करके मिल जाएंगे आपको। अभी इसमें डॉल्फिन की जो बाथरूम टाइल्स रहती है उसका भी एक डिजाइन का आइडिया ले सकते हैं इस वीडियो से आप। ये फ्लोरिंग में 1x1 की टाइल्स है, जो डॉल्फिन टाइल्स बोलते हैं आप, ये देख सकते हैं। इसके नीचे इसमें 2 डार्क और फिर बाद में 2 हाइलाइटर लेके पूरा मैच किया हुआ है कंप्लीट। ये टाइल्स पूरी सीलिंग टच तक ये टाइल है। इसके अंदर ऊपर 3 लाइट की टाइल है और नीचे 2 हाइलाइटर, उसके बाद में 2 इसके अंदर डार्क की टाइल बोल सकते हैं आप इनको, पत्थर की जो डिजाइन की टाइल्स रहती है वो। इसमें पूरे आड़े बाथरूम में ये पूरा कंप्लीट फिटिंग किया, और ये बाथरूम अटैच है। इसके अंदर बाथरूम और टॉयलेट बेसिन तीनों भी इसके अंदर ही है। यहाँ पे इसमें एंट्री है यहाँ से, और यहाँ पे इसमें एक हैंगर लगा रखा है जो कपड़े रखने के हिसाब से, और सामने इसमें एक वेंटिलेटर है। वेंटिलेटर इसमें जगह के हिसाब से रख सकते हैं, इसके अंदर छोटा है या बड़ा। इसमें 3 वेंटिलेटर हैं कंप्लीट, जो देख सकते हैं, एक सामने है और एक उसके बाजू में, उसके नीचे टॉयलेट सीट है। इसमें ये टॉयलेट सीट है, जो फ्लोरिंग में फिटिंग होती है वो। इसमें 2 प्रकार की टॉयलेट सीट आती है, जो एक वॉल में भी फिटिंग होती है, ये फ्लोरिंग वाली सीट है। और नीचे इसमें फ्लोरिंग में यहाँ पे बीच में आउटलेट है, ये कभी भी कोने में रहेगा तो स्लोप अच्छा निकलता है टाइल्स का। बीच में अगर रहता है तो कहीं भी पानी रुकने का चांस रहता है उसके अंदर। और यहाँ पे इसमें बेसिंग है कंप्लीट। ये बेसिंग जो देख रहे हैं, ये बेसिंग का 2 प्रकार से फिटिंग करवा सकते हैं इसको, ग्रेनाइट में फिटिंग करवा सकते हैं या फिर सादा जैसे अभी फिटिंग किया हुआ वैसे भी करवा सकते हैं। ऐसा अगर फिटिंग करवाएंगे तो आपको कम कॉस्ट गिरेगी, अगर ग्रेनाइट में फिटिंग करवाएंगे तो इसकी कॉस्ट ज़्यादा रहती है। इसमें 2 प्रकार से फिटिंग होता है ग्रेनाइट के अंदर भी, जो एक टेबल टॉप होता है और एक काउंटर टॉप होता है, और ऊपर इसमें कॉर्नर लगा रखे हैं कांच के। इसमें ग्रेनाइट के भी कॉर्नर लगा सकते हैं, कांच के थोड़ा सा मजबूती कम रहती है इसकी। ये बेसिंग और उसके ऊपर जो कांच का कॉर्नर है वो देख सकते हैं। अभी आपको बता देता हूँ मैं किचन के बाद में 4 रूम है उनका भी टाइल्स कौन सा है। इसमें
और ये टाइल भी सेम वही रेट मिल जाएंगे आपको, 250 रुपये से बॉक्स मिल जाएगा आसानी से, 230 रुपये से स्टार्ट होती है इनकी रेट। जो अभी इनका फिटिंग का चार्ज है वो है 15 रुपये। यहाँ पे जो चार्ज लगा वो चार्ज बता रहा हूँ आपको, इसमें यहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे ग्रेनाइट की पट्टी लगा रखी है जिससे इसका पानी बाहर नहीं गिरेगा। अगर यूज करते समय दरवाजा खुला रहता है तो भी इसका पानी बाहर नहीं जाता है कभी भी, ग्रेनाइट की पट्टी का इसीलिए लगाई जाती है। ग्रेनाइट की पट्टी फ्लोरिंग से 1.25 इंची ऊपर है जिससे पानी बाहर नहीं जाता बिल्कुल भी। इसके अंदर जो चौखट देख रहे हैं ये चौखट सीमेंट की लगाई हुई है, इसके अंदर ग्रेनाइट की भी लगा सकते हैं आप। और पल्ला जो देख रहे हैं पल्ला एलुमिनियम का, इसके अंदर ग्रेनाइट का अगर चौखट लगाएंगे तो वो थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा गिरेंगी उसकी। सीमेंट का चौखट आपको आसानी से 1500 रुपये में मिल जाता है। ग्रेनाइट का अगर कॉस्ट की बात करेंगे तो कॉस्ट आपको कम से कम 7 से 8 हज़ार रुपये गिरेगा, ग्रेनाइट का मटेरियल और लेबर कॉस्ट दोनों भी। और इधर है भी इसमें किचन फ्लोरिंग में, इसमें सादा नैनो टाइल्स आती है वो लगाई हुई है, सिंगल चार टाइल्स आती है वो, यह आपको आसानी से 27 से 28 रुपये स्क्वायर फुट से मिल जाएंगी। जो इसमें अलग अलग डिजाइन आती है, प्लेन आयरी भी आती है इसमें, ये अभी डिजाइन की टाइल फिटिंग की हुई है कंप्लीट, 4 इंच का इसको इस कटिंग लगा रखा है, जो दीवार से इसको एक सूत बाहर निकाल के फिटिंग किया हुआ कंप्लीट। इसमें 2 विंडो है, एक इधर है छोटी और एक इधर है जो 4x4 की विंडो है। ये बिल्कुल इसमें एल्यूमिनियम की जो विंडो देख रहे हैं, ये विंडो आपको आसानी से 240 रुपये स्क्वायर फुट से फिटिंग करके मिल जाएंगी पूरा मटेरियल समेत। जो अभी है इसमें ग्रिल स्लाइडिंग फिटिंग की गई 240 रुपये स्क्वायर फुट से आसानी से मिल जाएंगी इसमें फिटिंग के साथ में। अभी किचन बता देता हूँ आपको मैं, उसके बाद में एक स्टेयर्स का भी डिजाइन बताऊंगा इस वीडियो में। किचन में भी पूरा फ्लोरिंग में वही टाइल है, सिंगल चार जो टाइल्स आता है वही फिटिंग किया हुआ है। और ये कड़ापा स्टोन का किचन है। ये वीडियो अगर डिटेल में देखना है तो आप राम कॉन्ट्रैक्टिंग नाम सर्च कीजिए यूट्यूब चैनल के ऊपर या फिर फेसबुक पेज पे, तो आपको पूरा डिटेल्स के साथ में ये वीडियो मिल जाएगा कंप्लीट। इसको सिंपल सा कड़ापा स्टोन फिटिंग किया हुआ है टोटल, सामने से इसको जो ग्रेनाइट की पट्टी देख रहे हैं दर्शन पट्टी वो ग्रेनाइट की लगा रखी है और बाकी पूरा कड़ापा स्टोन लगा रखा है। बहुत ही सिंपल किचन प्लेटफॉर्म बनाया है ये और बहुत ही अच्छा दिख रहा है, दिखने में लुक अच्छा आ रहा है इसका पूरा। बीच में इसमें दो दो हाइलाइटर लिए हुए हैं कंप्लीट, दो हाइलाइटर ये दीवार में है और दो हाइलाइटर वो दीवार में जो देखे आपने स्टील सिंक के बाजू में जो दीवार है। और सिंपल सा इसको धार पॉलिश करके फिटिंग किया हुआ, 4 फुट हाइट तक किचन का जो साइड पत्थर है वो लगा रखा है और 2.25 फुट इसकी चौड़ाई है। जो पत्थर देख रहे हैं ये पत्थर की सीगड़ी आएंगी यहाँ पे, इसका 2.25 फुट चौड़ाई है और जो स्टील सिंक वाला एरिया है उसका 2 फुट चौड़ाई लिया हुआ है। और इसमें नीचे एक सेल्फ डाल रखा है सामान रखने के हिसाब से, इसको सेल्फ भी डाल सकते हैं या फिर फर्नीचर में भी फिटिंग करवा सकते हैं आप। ये सामने की दीवार के दो हाइलाइटर के डिजाइन अभी बता देता हूँ मैं आपको, स्टेयर्स की डिजाइन। और इसमें 2 रूम ये हो गए, 2 रूम इसमें इधर बाजू में। इसमें जो भी चौखट देख रहे हैं ये सब सीमेंट की चौखट है। और एक रूम ये हो गया, इसी में एक विंडो है 4x4 का ये, और ये एक रूम इधर है। इसमें ऐसे 4 रूम का पूरा घर है ये। इसमें 2 विंडो है ये रूम के अंदर, सेम वही टाइल लगा रखी है इसके अंदर। और एक विंडो इसमें ये है 4x4 का ये, इसमें नीचे कड़ापा स्टोन लगा रखा है जिससे एल्यूमिनियम की जो विंडो फिटिंग करते हैं अपन वो आसानी से अच्छी तरीके से फिटिंग हो जाती है, उसकी फिटिंग अच्छी आ जाती है। एक विंडो ये है, इसका 3 पल्ले का ट्रैक है पूरा कंप्लीट, जो 240 रुपये में आसानी से मिल जाएगा आपको कांच और उसका जो फ्रेम रहता है फ्रेम पूरा फिटिंग के साथ में। अभी स्टेयर्स बता देता हूँ आपको मैं, स्टेयर भी अच्छी फिटिंग की हुई है, इसके अंदर मजबूती भी अच्छी रहती है। कोटा स्टोन का जो पत्थर आता है वो पूरा फिटिंग किया हुआ है, ये देख सकते हैं लेदर पॉलिश का जो कोटा स्टोन आता है वो पूरा फिटिंग किया हुआ है इसके अंदर। जो फ्लोरिंग में टाइल थी वो टाइल इसमें राइजर में यूज़ की हुई है। और इसकी अगर फिटिंग की बात करेंगे तो आपको ये 200 से 250 रुपये पर नग गिरेगा लेबर कॉस्ट इसका फिटिंग चार्ज। और उसके बाद में अगर इसका कोटा स्टोन की प्राइस की बात करेंगे तो यह आपको आसानी से 45 रुपये से 50 रुपये के बीच में आसानी से मिल जाएगा आपको ये स्क्वायर फुट से। रेडीमेड कटिंग आता है ये पूरा कंप्लीट। इसमें दूसरा भी आता है जो पुलिस वाला आता है वो भी फिटिंग करवा सकते हैं, इसको अभी धार पॉलिश नहीं किया हुआ, सामने से इसको धार पॉलिश भी कर सकता है। इसका अगर बजट ज़्यादा है आपका तो इसको पॉलिश भी करवा सकते हैं या फिर मोल्डिंग भी करवा सकते हैं, दोनों प्रकार से करवा सकते हैं। इसके अगर लैंडिंग की बात करें तो लैंडिंग में वही टाइल लगा रखी है
जो पार्किंग में लगाई हुई थी। इसमें वही राइजर में जो टाइल लगाई हुई वो टाइल भी लगा सकते हैं। ये टाइल अभी रफ है इसीलिए यहाँ पे पैर फिसलने का चांस नहीं रहता, पूरा वही रफ वाली टाइल लगा रखी है पार्किंग में जो फिटिंग किया था। ऊपर से अगर देखेंगे तो ऊपर से पूरा स्टेयर सेम दिखेगा और नीचे से ऊपर आएंगे तो सेम ऐसा दिखेगा राइजर और टप्पा नीचे से, और ऊपर से नीचे जाएंगे तो पूरा इसमें कोटा स्टोन ही देखेगा जो देख सकते हैं लेदर पॉलिश का जो कोटा स्टोन आता है वो। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए, ऐसे नई नई वीडियो आएंगे अभी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।